मन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप पूरी तरह से मन के हिसाब से चलते हैं तो मन आपको भटका देता है, और जब आप मन को कंट्रोल करके अपने हिसाब से चलते हैं तो आप जिंदगी में जो पाना चाहते हैं वो सब आपको मिलता है। पर आज कल बहुत मुश्किल है मन को अपने हिसाब से चलाना, उसे ऑर्डर देना। जिंदगी में अभी तक जैसे मन हमें चलाता आया है, हम वैसे ही करते आ रहे हैं, पर अब एक बीमारी हो गया है। सारा दिन माइंड में थॉट आते रहता है, लोगों को टेंशन, एंग्जायटी, डिप्रेशन, ओवरथिंक, सब तरह की परेशानी हो गई है। बड़े तो क्या आजकल स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को भी स्ट्रेस हो गया है, पढ़ाई का, करियर का, एग्जाम का, फ्यूचर का, बस दिमाग में चलता ही रहता है। और इसके कारण सबके जीवन में अशांति और बेचैनी आ गई है। सब कुछ होते हुए भी लोग कहते हैं कि हमें खुशी नहीं है, मन मेरा शांत नहीं है। अगर आप अपने मन की शांति और सुकून चाहते हैं और हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो इस 5 बातों को आप जरूर करें। सबसे पहले बी सिलेक्टेड फॉर व्हाट आर यू लिसनिंग, वाचिंग एंड रीडिंग। आपका मन एक स्टोरेज की तरह है, आप जो भी देखते हैं सुनते हैं वो सब स्टोर हो जाता है। आप लगता है क्या फर्क पड़ने वाला है, पर एक एक शब्द, एक एक दृश्य आपके मन को बहुत गहरा असर डालता है। आप वही सोचना शुरू कर देते हैं जो आप देखते हैं सुनते हैं। सोशल मीडिया आपको रोज नई बातें परोस देती है। कल रात को लाखों लोग शांति से सोए, एक कोई खबर आपके पास नहीं पहुंचाता, पर एक रात एक घर में चोरी हो गए, वो बात आपके पास पहुंच जाती है। लाखों लोग सुरक्षित घर पहुंचते हैं, ये बात आपको नहीं बताया जाता कि एक एक्सीडेंट हो गया, वो आपको बात पहुंचाया जाता है। तो सारा दिन नेगेटिव बातें देखकर सुनकर यही सब आपका मन सोचना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे आपका संस्कार, आपका विश्वास बन जाता है। आप अगर रोज रोज सुनते गए कि आजकल सब बेईमान है, तो धीरे धीरे यही आपका भी विश्वास बन जाएगा। पर अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छी चीज़ देखते हैं, तो वही आपका संस्कार बन जाता है और वही आपका विश्वास भी बन जाता है। नेगेटिव और पॉजिटिव को पहचानने का सबसे आसान तरीका है जो आप थॉट अपने मन में डर, बेचैनी, चिंता और शांति बढ़ाते हैं वो नेगेटिव है, और जो पॉजिटिव थॉट्स आपके मन में शांति, सुकून, सक्षम और ज्ञान बढ़ाते हैं वो पॉजिटिव है। दूसरी बात, चेंज योर इमोशनली एंड फिजिकली डाइट। जब भी हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर कहते हैं अपनी डाइट चेंज करो, आप अपने खाना बदलो। तो अगर आपका मन बीमार है तो इसके लिए आपको अपनी इमोशनली डाइट और फिजिकली डाइट चेंज करनी होगी, क्योंकि अगर आप सब तरह की भावनाओं को वेलकम करेंगे तो वो आपकी आदत बनती जाएगी। अगर आप जेलसी, गुस्सा, बेचैनी, कंप्रेशन, चिड़चिड़ापन, इस तरह भावनाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हर दिन आपकी आदत बनती जाएगी। आप मन को कुछ भी सोचने के लिए आज़ादी नहीं दे सकते, आपके कुछ सेट रूल होने चाहिए। लाइफ में मुझे गलत नहीं सोचना है, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए, मुझे खुद को अपने भावनाओं से बचाना है जो मेरे मन को दुख और अशांति करती है। और आप अपना आहार भी बदलें, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन बनता है। अगर आप अपनी तनसी और रजबूरी खाना खाते हैं तो आपके मन में गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगेगा, और सात्विक आहार खाते हैं तो आपका मन शांत और प्रसन्न रहता है। आप अपने मन को और शरीर को वही आहार दें जो आपके मन और शरीर के लिए अच्छा हो।
आप जैसे दिन की शुरुआत करते हैं वही एनर्जी सारा दिन काम करती है। आप अपनी सुबह पॉजिटिव, डिवाइन और हेल्थी बनाएं। सुबह को अच्छी बुक पढ़ें, एक्सरसाइज करें। सुबह सुबह जो विचार आप अपने मन को देंगे वही विचारों का असर पूरे दिन रहेगा। अगर आप सुबह सुबह उठते ही आप हाथों में मोबाइल लेके एक चेक करना शुरू कर दें कि ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, मेरे दोस्त ने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया है, दुनिया भर की बातों के लिए आपके पास सारा दिन है। पर सुबह सुबह अपने मन में पवित्र विचार को डालें जिससे सारा दिन आपका मन शांति और सुकून का अनुभव करेगा। आप सब अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सुबह का समय जरूर अपने आप में बेहतर बनाने के लिए लगाएं। अधिकतम लोग सुबह का समय तो नींद में ही बिता देते हैं, लेकिन आप अपनी सुबह का समय वेस्ट ना होने दें और कोई भी एक ऐसा किताब जरूर पढ़ें जो आपको अच्छी शिक्षा देता हो, जो आपको पॉजिटिव थॉट्स में ले जाता हो, जिसको पढ़ने से आपको ज़िंदगी बदल सकती है। चौथा पॉइंट, डोंट ओवर यूज इलेक्ट्रिक गैजेट। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है, इसके कई फायदे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर करें, पर इसके आदि ना बने। एक टाइम सेट करें कि इस समय तक टीवी और मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। 15-20 मिनट टाइम लगते हैं खाना खाने में, पर लोग उस समय भी टीवी मोबाइल नहीं छोड़ते, फिर कहते हैं मन में अशांति है। कम से कम खाना तो शांति से खा लो, 10 मिनट शांति से आप नहीं बैठ सकते, फिर कहते हो मन में बहुत अशांत है। अशांति तो आप खुद पैदा कर रहे हो। सोने से 2 घंटे पहले टीवी मोबाइल को खुद से दूर कर दो और अपने दिन का शुरुआत किसी अच्छी किताब से पढ़कर करें, न कि मोबाइल से आपके दिन का शुरुआत हो। जवाब है मेडिटेशन। आप कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन ध्यान जरूर करें। ध्यान आपके विचारों को शांत करता है, आपके माइंड को डिटॉक्स करता है। नियमित ध्यान करने से आपका मन स्थिर हो जाता है, आपके मन का टेंशन कम होने लगता है और आप खुश और शांत और प्रसन्न महसूस करते हैं। अगर ये आप 5 बातें जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो विश्वास रखना आपके मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। आपकी ओवरथिंक, आपका डर, नेगेटिव थॉट, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जब आपके लाइफ में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो आपका सफल होने से कोई रोक नहीं सकता।